हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल उदय एक्सरे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साइट की बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने ये जो स्केपुला बोन है उसका ड्रॉ करके बताया है कि कैसे ट्राइंगुलर बोन है, फ्लैट एंड ट्राइंगुलर बोन। ठीक है, तो इसकी दो प्रोसेस है, एक है ये है एक्रोमिनियम प्रोसेस वाली और ये है कोरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है, जो कि इसकी कोरोकॉइड प्रोसेस ही फ्रैक्चर है। ठीक है दोस्तों, जैसा देख रहे हैं आप, इसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि कहाँ फ्रैक्चर लाइन कौन सी है इसकी। ठीक है, ये देखिए है ना, ये इसकी फ्रैक्चर लाइन है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको। हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में स्केपुला इन शोल्डर जॉइंट पे बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये दिखाने वाला हूँ कि स्केपुला का जो कोरोकॉइड प्रोसेस होती है वो एक्सरे में कैसे दिखाई देती है फ्रैक्चर। ठीक है, कोरोकॉइड की जो फ्रैक्चर दिखाई देता है एक्सरे में वो किस तरह से दिखाई देता है उसके मैं आज पूरा बताऊँगा और स्केपुला का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी बताऊँगा कैसे दिखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शोल्डर जॉइंट का एक्सरे विद स्केपुला का जो कोरोकॉइड प्रोसेस फ्रैक्चर होता है वो कैसे स्टेप्स दिखाई देता है एक्सरे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है शोल्डर जॉइंट का रिव्यू। ठीक है, ये मैंने आज एक पेशेंट का किया हुआ है शोल्डर जॉइंट का रिव्यू। ठीक है, उसे शोल्डर में बहुत पेन था। ठीक है, डॉक्टर्स ने शोल्डर जॉइंट रिव्यू एडवाइस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बोन है, ये जो देख रहे हैं आप ये है क्लेविकुलर बोन है। ठीक है, क्लेविकल बोन है, ये ह्यूमरस बोन है और ये जो है देख रहे हैं आप ये पूरी जो ट्राइंगल जो बोन है ये फ्लैट एंड ट्राइंगल बोन, इसे बोलते हैं स्केपुला। ठीक है, तो इसके दोस्तों से क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, इसे कैसे डायग्नोस करते हैं। ठीक है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये जो देख रहे हैं आप इसे हेड ऑफ ह्यूमरस है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये नेक ऑफ ह्यूमरस है। ठीक है दोस्तों, सबसे ये क्लेविकल है ना, ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये डिस्टल एंड है। ठीक है, क्लेविकल का। ठीक है, और ये आप जो देख रहे हैं ट्राइंगल बोन है, ये है यहाँ से स्केपुला। ठीक है, तो इसकी दो प्रोसेस होती है स्केपुला की। ठीक है, एक है एक्रोमिनियम प्रोसेस जो ये दिखा दी गई। ठीक है, ये एक्रोमिनियम प्रोसेस है याद। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है कोरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है, कोरोनाइड में दोस्तों सिर्फ इसे कोरोकॉइड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे जो देखते हैं आप ये है ग्लेनाइड कैविटी है, यहाँ पे ह्यूमरस का हेड अटैच रहता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आप आ जाएंगे कि ये है सुपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला है यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप सुपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, और उसके नीचे आ जाओ तो ये है इन्फीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको इसे डायग्नोस करना है। यहाँ पे बाकी तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन इसमें स्केपुला का जो देख रहे हैं आप कोरोकॉइड प्रोसेस, ये फ्रैक्चर है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मैं चलो इसको मैं इसका जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये स्केपुला का कोरोकॉइड फ्रैक्चर, यहाँ से प्रोसेस जो है कोरोकॉइड प्रोसेस फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कोरोकॉइड प्रोसेस किस तरह से फ्रैक्चर होती है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट एक्सरे देखा है कोरोकॉइड एक्सरे का, इसलिए मैंने आपको बताया, सोचा कि वीडियो बना जो आप लोगों के बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये कोरोकॉइड फ्रैक्चर देख रहे हैं आप किस टाइप फ्रैक्चर हुई है। ठीक है, तो इस टाइप से ये स्केपुला का जो कोरोकॉइड फ्रैक्चर है इस टाइप से दिखाई देता है एक्सरे में। ठीक है दोस्तों, ये जो देख पा रहे हैं आप सामने स्क्रीन पे है ना। ठीक है, तो ये फ्रैक्चर दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि एक्सरे में जो कोरोकॉइड प्रोसेस स्केपुला की वो किस स्टेप से दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, ये है एक्रोमिनियम प्रोसेस है और एक कोरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो इसी कोरोकॉइड प्रोसेस फ्रैक्चर है स्केपुला के। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।